हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल। एंड आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है कंट्रोल वाल के ऊपर, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल कैसे काम करता है और इसके पार्ट्स के बारे में, इसके अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आपको इसका मेनली जो बेसिक है, बेसिक मैं इसका बता दूंगा, बेसिक सारा इसका आप समझ आएंगे आज के, जो हमारा कंट्रोल वाल है उसमें क्या होता है और कैसे काम करता है। तो पहले दोस्तों इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में जानने के बाद फिर इसको मैं आपको ऑपरेट करा के दिखाऊंगा। ये एयर से ऑपरेट होता है, तो ऑपरेट करा के इसके बारे में दिखाऊंगा। तो पहले इसके पार्ट के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऊपर से शुरू करते हैं, टॉप से। ये है दोस्तों इस जो नीचे इसके लगा हुआ है वाल। तो मेन हमें जो ये एक्चुएटर है, ये मेन इसको वाल को ऑपरेट करेगा। ये ग्लोब वाल होता है एंड इसे मैनुअली ऑपरेट करने के लिए ये फर्स्ट ये हैंडल दिया होता है, इसको मैनुअली ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद दोस्तों ये हो गया एक्चुएटर। एक्चुएटर के अंदर क्या होता है, एक डायफ्राम होता है एंड इसके ऊपर लगे होते हैं स्प्रिंग। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो एयर टू ओपन एंड एयर टू क्लोज। तो ये दोस्तों एयर टू क्लोज है। एयर टू क्लोज का मतलब जब इसको एयर देंगे तो वाल खुल जाएगा। दूसरा होता है कि जब इसको एयर आएगी तो वाल बंद हो जाता है। ये होता है दोस्तों ए टू ओपन एंड ए टू क्लोज का डिफरेंस। उसके बाद दोस्तों ये हो गई एक्चुएटर की स्टेम, जो हमारा एक्चुएटर है न्यूमेटिक एक्चुएटर उसकी स्टेम। उसके बाद स्टेम का ये कनेक्टर है, ये है स्टेम टू पोजिशनर के लिंक का है दोस्तों। उसके बाद इसके नीचे जो है हमारा ग्लोब वाल, उस ग्लोब वाल की स्टेम है। तो दोनों को ये कनेक्टर जो है कपल करता है। उसके बाद ये ग्लैंड सीलिंग पैकिंग हो गई, कपलिंग हो गई। उसके बाद ग्लैंड की पैकिंग के बाद दोस्तों इसके नीचे हो गया हमारा जो है ग्लोब वाल। तो दोस्तों इसमें से एक साइड से हमने जो हमारा स्टीम है या पानी है या जो भी कुछ है या गैस है, तो एक साइड से एंटर करते हैं और दूसरी साइड से ले लेते हैं। ये हमें कंट्रोल होके मिल जाता है। तो इसका जो बेसिक दोस्तों कंट्रोल वाल का यूज़ होता है इंडस्ट्री में, इससे हम स्टीम का प्रेशर, पानी का प्रेशर कुछ भी है वो कंट्रोल करके ले सकते हैं। जैसे सपोज पीछे से हमारा प्रेशर 10 केजी आ रहा है, बट हमारी मशीन को आगे चाहिए प्रेशर 4 केजी, 5 केजी, इवन कोई भी प्रेशर चाहिए, तो इस पोजीशन के थ्रू हम, पोजिशनर के थ्रू और कंट्रोल वाल के थ्रू हम सेट कर सकते हैं जितना प्रेशर चाहिए। तो उस पर जो हमारा पीआईडी कंट्रोलर होता है, इसके ऊपर पीआईडी कंट्रोलर लगता है। पीआईडी कंट्रोलर लगा के उसके थ्रू हम जो है इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों जो हमारा कंट्रोल वाल है, इसके बारे में इसके पार्ट बता दिए। ये होता है हमारा एक्चुएटर पोजिशनर। ये पोजिशनर कैसे काम करता है दोस्तों, इसका लिंक आपने देख लिया। यहाँ से इसको फीडबैक मिलता है कि वाल कितने परसेंट ओपन हुआ या क्लोज हुआ, ये फीडबैक के लिए है। ये दोस्तों एक इसका जो एयर इनलेट एयर है उसका होता है, ये दो गेज लगे हुए हैं दोस्तों, एक इनलेट एयर का होता है एंड एक आउटलेट एयर का। जो ये जो पोजिशनर है, ये पोजिशनर प्लस आई टू पी कन्वर्टर है। आई टू पी कन्वर्टर होता है एयर टू प्रेशर, सॉरी करंट टू प्रेशर। इसको करंट का है जो सिग्नल मिलता है एंड जो आउटपुट है इसकी प्रेशर निकलता है, इसका जो एयर का प्रेशर है। तो एयर का प्रेशर जो होता है दोस्तों इस जो पोजिशनर है इसके थ्रू होके ये जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम को मिलता है एंड डायफ्राम हमारा जितना हमारा एयर है उसके हिसाब से ओपन क्लोज होता है और उस हिसाब से जितना करंट फ्लो होता है उतना हमारा जो है एयर बढ़ेगा एंड एक्चुएटर वाल ऑपरेट होगा। इससे कनेक्टेड जो स्टेम है, स्टेम के साथ जो वाल है वो अप डाउन होगा, कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पोजिशनर है इसकी सप्लाई वोल्टेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसको 24 वोल्ट डीसी मिलती है एंड 4 to 20 मिली एम्पियर इसको करंट मिलता है। तो ये 4 to 20 मिली एम्पियर का जो है एनालॉग सिग्नल इसे मिलता है, जो वेरिएबल एनालॉग सिग्नल है। तो ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता है। तो उसके बाद दोस्तों ये जो करंट है, इसके अंदर एक रिले लगी होती है, न्यूमेटिक रिले, इलेक्ट्रो न्यूमेटिक रिले बोलते हैं उसे, तो वो काम करती है। उसका प्रेशर तो
मेन पहले जो एयर का प्रेशर है वहाँ पे जाता है, वहाँ से कंट्रोल होकर हमारा जो प्रेशर है इस डायफ्राम पे आता है। डायफ्राम के आने के बाद दोस्तों इससे मेन प्रेशर कंट्रोल होके जो हमारा ये जो लाइन पीछे देख रहे हैं आप, इस लाइन से जो है डायफ्राम को जाता है। तो यहाँ से हम मैनुअली भी देख सकते हैं चेक करके, मैं आपको एक बार चेक कराता हूँ। ये देखिए ये हमारा ऑपरेट होता है, ये जो मेन डायफ्राम है ये डायफ्राम ऑपरेट होगा, और जैसे ये डायफ्राम ऑपरेट होगा इसके थ्रू जो प्रेशर है वो कंट्रोल वाल्व को जाएगा। तो ये तो था दोस्तों मैनुअल। इसमें जीरो सेट करने के लिए ये दिया होता है सेटिंग। तो जीरो सेट का मतलब जब हमारा 4 mA होगा उस समय वाल्व ये ओपन नहीं होना चाहिए, वाल्व बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्लोज हो गया तो ये ज़ीरो पे भी खुल जाएगा जो खुलना नहीं चाहिए। तो ये होती है इसकी जीरो सेटिंग। उसके बाद ये काम कैसे करता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा सोर्स मीटर है, तो ये 24 volt DC देता है एंड 4 to 20 mA का सिग्नल देता है। अब इससे दोस्तों आपको ऑपरेट करा के दिखाते हैं कि जैसे जैसे मैं यहाँ से मिली एम्पियर बढ़ाऊँगा वैसे वैसे ये जो वाल है वाल ओपन होगा। तो चलिए ये ऑन कर रखा है मैंने, आउटपुट पे है, यहाँ से मिली एम्पियर बढ़ाएंगे। ये देखिए अभी 4 mA है, वाल जीरो है, ओपनिंग जीरो है, एंड अभी बढ़ाएंगे। ये देखिए वाल हमारा काम करने लगा है। एंड इसका एयर का बात करें, उसको इनलेट एयर दोस्तों 4 kg से ऊपर नहीं आनी चाहिए, 4 kg मैक्सिमम इसका प्रेशर होता है। तो ये देखिए जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वाल जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ऑन होता जाएगा, ओपन होता जाएगा। ये देखिए 20 mA हो चुके हैं एंड वाल हमारा 100% जो है ओपन हो चुका है। तो अभी इसे अगर क्लोज करना है तो वैसे ही हम जो सिग्नल है सिग्नल डाउन करते जाएंगे। ये देखिए और हमारा वाल है जो ये बंद हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कंट्रोल वाल, एंड एक होता है हमारा ऑन ऑफ वाल, उन दोनों में डिफरेंस होता है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। एक न्यूमेटिक ऑन ऑफ वाल होता है, एक न्यूमेटिक कंट्रोल वाल होता है, दोनों का डिफरेंस होता है दोस्तों। ये हमारा परसेंटेज पे काम करेगा, जैसे ये 0 to 100% ओपन हो जाता है, पर जो हमारा ऑन ऑफ वाल है वो या तो 0 होगा या 100 होगा, उसके बीच में कहीं नहीं रुकेगा। इस दोस्तों इसका एडवांटेज ये है, इसको आप कहीं पे भी सेट कर सकते हो, 10%, 20%, 5%, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से ये ओपन क्लोज होता है। तो आपको आज वीडियो में मेन इसका बेसिक तो समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो पोजिशनर है पोजिशनर के बारे में डीपली बताएंगे, क्योंकि अब बताने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।